अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत है? सॉरी, मुझे फिर से थोड़ी सी देर हो गई, टाइम बहुत कम मिल रहा था. बहुत सारी वीडियोस आई थी. वो क्या था कि वहाँ कौन है अदनान भाई का, फिर शरी भाई और चांद भाई ने अपने अपने चैनल्स पे भी वीडियोस डाली थी, असद भाई ने डाली थी. वो क्या था कि वीडियो भी आई थी, बहुत सारा मटेरियल आया था. मुझे टाइम बहुत ही कम मिल रहा था, तो सारा देखना तो पॉसिबल नहीं है. जो मुझे अभी शरी भाई और चांद भाई ने जो एपिसोड डाली थी, व्लॉग गोस लॉकडाउन जिसे कहते हैं, जो उनके चैनल का नाम है, उसके कुछ क्लिप्स मुझे बहुत अच्छे लगे. वो देखते हैं, फिर उसके बारे में कुछ बातें करते हैं. आई होप कि आप लोग सब खैरियत से हैं. चलिए क्लिप देखते हैं, फिर कुछ डिस्कशन करते हैं, एनालाइज करते हैं. आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में आया क्लिप देखने के बाद. चलें क्लिप देखते हैं. अभी मेरे ख्याल में आपने वो हाथ ही मैंने लगाया सिर्फ होगा. जोर को टच किया यार अंदर से. ये आवाज आई है बहुत जोर से. यार क्या हुआ चांद भाई? इधर कोई चीज थी यार, उसने पकड़ के खींचा और रिकॉर्ड हुई है कैमरा में. अल्लाह थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्या है. कोई चीज़ बैठी हुई है, इसका सर नज़र आ रहा है. आई थिंक फिर शरी भाई को कुछ नज़र आता है अंदर. एक टैंकर है अंदर कोई पानी का, चीज आई थिंक बैठी उसके है. पीछे कोई चीज़ बैठी है. ये मैंने तो एनहांस किया है, पता नहीं, बहुत मुश्किल है कहना कि क्या शक्ल है. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था कि यार कुछ टैंकर के अंदर से देखने आवाज़ आ रही है, जैसे किसी कोई चीज़ से मार रही है. अंदर दिखाया सही, मैंने कुछ भी नहीं है. इस वक्त चांद भाई का कैमरा थोड़ा पीछे करना चाहिए था, पूरा टैंकर दिखाना चाहिए था. खासी आवाजें आ रही है नीचे का यार, हिस्सा नहीं अंदर दिखाया है कैसे चांद भाई ने. कुछ भी नहीं है यार. रिकॉर्ड कर रहे हैं बंद हो गए ना, ये चीज़ आ रही है. थोड़ा नीचे करना चाहिए था कैमरा, या पीछे हट जाते थोड़ा. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था. ये आई थिंक बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल ऑलमोस्ट यार वो टूट फ्रेम में गया है. आया है. एकदम से टूट जाता है. एक गुड कैप्चर. टूट गया यार, करीब नहीं जाए यार. क्या है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. शेरी भाई, आप लोग भी बताएं आपको क्या समझ में आया. क्या हुआ? इधर बैठ मैं भाई, थोड़ा सा एनहांस किया इधर है बैठ. ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट, यार तो आपको कलर मैंने शिफ्ट अपने होते आप हुए को नज़र देखा यार आएगा. उधर. हैं अपने आप को मैंने देखा यार उधर. यार आपको भी शेरी बहन भाई कह नजर रहे नहीं, उन्हें अपना आप नहीं नज़र भाई आया नहीं उधर, हम आजाद यार उधर लाइट जिसे पड़ी यार, कहते उधर हैं, हम आजाद जिन रिकॉर्डिंग जो चेक होते कर हैं. लेंगे. अभी तो मैंने देखा, अपने आप को देखा यार मैंने. वो खुद को कैसे देख सकते हो यार? खुदा की कसम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. अच्छा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है. हाँ, ये देखिए, मैंने थोड़ा ब्राइट किया ना, तो शक्ल नज़र आ रही है, पूरी बॉडी, टांगे नज़र आ रही हैं, हल्की हल्की दाढ़ी भी नज़र आ रही है. ऐसा लग रहा है कि शेरी भाई का ही कोई अक्स है, उनका डुप्लीकेट, हमजाद जो वो कह रहे हैं. ये मैंने थोड़ा क्रॉप किया है फेस दिखाने के लिए. तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ शेरी भाई से मिलती जुलती शक्ल है, या कोई इंसान जिसकी दाढ़ी है खड़ा हुआ है उधर. अच्छा, इंटरेस्टिंग था ये, स्पेशली जो लास्ट वाला था, जो क्लिप था लास्ट. आप लोग बताएं आपको क्या लगा.
मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस चेंज की है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आगे शार्पनेस थोड़ी बढ़ाई है, देखने के लिए गौर से कि वो शक्ल क्या है, क्या शरी भाई से मिल रही है या कोई और फेस है। तो ऐसा लग रहा था कि शरी भाई से काफ़ी मिल रही थी। हमजात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, कि हमजात जो जिन होता है हमजात, उसको नाम दिया है, जो आपकी अपनी शक्ल में आ जाता है, अगर वो चाहे तो अपनी आपकी शक्ल फॉर्म ले सकता है और आपके सामने आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने आप को देख लिया, या किसी और के सामने आएगा वो समझेगा कि भैया यू नो उस बंदे ने अपने किसी दोस्त को देख लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन दोस्त तो इधर बैठा है और वहाँ कुछ और नज़र आ गया, वो समझेगा कि इसका दोस्त है। तो वो दूसरों का शेप ले लेता है, दूसरों का फॉर्म ले लेता है, कभी कभी ऐसा होता है। सुनने में आया, मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी है इस तरह की, कि हमजात जिन जो होता है, और वो स्पेशली जब इंसान मर जाता है, उसकी रूह इस दुनिया से चली जाती है, तो तब अगर वो नज़र आए वही इंसान, तो वो एक्चुअली उसकी रूह नहीं होती, वो हमजात जिन होता है, जो इन लोग कहते हैं यार उसकी रूह भटक रही थी। तो ऐसा नहीं होता, वो हमजात होता है जो कभी कभी वो फॉर्म ले लेता है, और इस दुनिया में वो होता रहता है इंसान के जाने के बाद भी, लेकिन जिन्नात भी इंसान की तरह, उनकी भी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, यू नो ए सर्टन लाइफ टाइम होता है, वो भी इस दुनिया से चले आते हैं। जिन भी इंसान की तरह एक कम्युनिटी है, वो भी उनकी भी पैदाइश होती है, उनकी भी कम्युनिटी होती है, और वो भी फिर मर जाते हैं, उनकी भी वफ़ात होती है, वो भी इंतकाल कर जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं दूसरी दुनिया में। आई एम गेसिंग कि वो भी बरज़ख़, आलम बरज़ख़ में चले जाते हैं। बहुत डिटेल तो मुझे पता नहीं है, आई थिंक किसी और को अगर इस चीज़ का आइडिया तो वो ज़रूर एक्सप्लेन करें। बातें ऐसी वीडियो होनी भी चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी शरी भाई, शान भाई, असद भाई से, और जो लोग इन एरियाज़ में ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो भी हमें ज़रा एक्सप्लेन करें किसी एक वीडियो में, कि आपका क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, और आपने क्या पढ़ा है, अपने बुज़ुर्गों से क्या सीखा है। आई थिंक कॉन्सेप्ट दुरुस्त होना चाहिए, और दूसरों को भी उसका आइडिया आप दिला दें तो वो भी अच्छा रहता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मज़हर भाई की भी एक वीडियो में काफ़ी पुरानी है, उसमें भी उन्होंने किसी फार्मर की शक्ल दिखाई थी दूर से, पगड़ी वगड़ी पहना हुआ था वो, उन्होंने भी कहा था कि हम आज़ाद था, वो तो मर चुका है, उसका जिन था जो वहाँ पे मौजूद था उस वक्त जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि हदीसों में इसका हवाला है कि नहीं है, लेकिन अगर किसी को आइडिया है तो ज़रूर बताएं। मेरे एक अच्छे दोस्त अली भाई जो यहीं रहते हैं, ग्लासगो में रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी व्हाट्सएप पे, तो उन्हें काफ़ी नॉलेज लगती है इस एरिया की, सब्जेक्ट की। तो अली भाई अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं हम लोगों को क्या आपका क्या ख्याल है इस हमजात कॉन्सेप्ट के बारे में, हमजात जिन। आप भी हम लोगों को ज़रा एनलाइटन करें तो मज़ा आएगा। ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, दो क्लिप्स में थी ये, काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई, मैंने सारे क्लिप्स तो नहीं डाले क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, वहाँ आवाज़ें भी आ रही थी, उन्हें दरवाज़ा मुस्तकिल हिल रहा था, अंदर उन्हें दिखाया कोई नहीं था, तो अच्छा अच्छा कैप्चर किया, अच्छी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई है। ऑब्वियसली लास्ट क्लिप सबसे अच्छा लगा मुझे हमजात का, तो वो आई थिंक बेस्ट था इस क्लिप के हवाले से। गुड जॉब शरी भाई, चांद भाई। आपकी दूसरी वीडियोस भी आई थी लेकिन मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा यार, मैं ना ज़रूर रिव्यू करता, और भी आई हैं वहाँ, कौन है अदान भाई की वो भी आई है, वो भी मैंने देखी, टाइम मिला तो मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा। सज्जाद भाई को मैंने मैसेज किया है 2-3 बार, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो जब तक परमिशन नहीं मिलेगी मैं नहीं कर सकता, वो क्या है को रिव्यू नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए मेरे चैनल पे कि आप वहाँ क्या होगा या वो क्या होगा, असद भाई का जो है उसे रिव्यू क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ दिया और एक्सेट्रा। तो अगेन प्रॉब्लम हुई है कि मैंने असद भाई को भी मैसेज किया था परमिशन लेने के लिए, लेकिन वो भी आई डोंट थिंक के कमेंट्स का जवाब देते हैं रेगुलरली। अगर वो परमिशन दें तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। एक और भाई ने कहा कि जसी भाई की भी वीडियोस कंटिन्यू करें रिव्यू करना, तो हाँ मैं ज़रूर इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो जसी भाई की भी मैं रिव्यू करूँगा। मैं ट्राई करता हूँ, आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो अगर मुझे टाइम मिल गया आज या कल तो मैं कुछ क्लिप्स देखकर फिर उसे रिव्यू करूँगा। आई विल ट्राई, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता लेकिन मैं कोशिश करूँगा।
चले आप लोग बताएं कमेंट्स में क्या आप लोगों को ये क्लिप कैसा लगा, आपको क्या लगा कि वो टैंकर के पीछे क्या है, मतलब कुछ आपको फेस नज़र आया या कोई बॉडी स्ट्रक्चर क्या आपको नज़र आया? मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा सा कोई फेस है उस पर, बहुत सारी वाइट करके डॉट्स हैं या आँखें हैं या पता नहीं, ऐसी कुछ लग रहा था मुझे। दीवार पे जो कोई चीज़ बैठी हुई थी जब चांद भाई गिरे थे, उसके बारे में आप लोग बताएं कि आपको क्या लगा, वो क्या था? मुझे ऐसा लगा कि कोई क्राउच किया हुआ ऐसे दीवार पर बैठा हुआ है और वो सामने देख रहा है। आई थिंक शरीफा ने कहा था कि वो बच्चा हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है, आई डोंट नो। और ऑब्वियसली लास्ट क्लिप के बारे में आप लोग बताएंगे, क्या आपको लगा कि वो शरीफ भाई की तरह ही कोई चीज़ खड़ी हुई थी वहाँ पे, क्या उसकी शक्ल शरीफा से मिल रही थी या कुछ डिफरेंट फेस था? आप लोग भी बताएं कि आपको कैसा लगा। चलें, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।